आप एक साथ उठना चाहिए ना, और मैं जब तक नहीं बोलूं जब तक डाउन मत करना है ना, लाइव में करता हूँ अच्छा नहीं लगता, और आई कॉन्टेक्ट मेरे सामने होना चाहिए सबका, ठीक है? यस सर। चलो हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच, यस सर। और कौन लाइव है? सर सर सब लाइव है, यस सर। तो आज क्या धमाका था आज सर? सबसे सवेरे क्या था? कौन सी स्टेंसिल से? तो खाली एक ने करा? नहीं सर। किसने करा? हम सब ने किया। किसने करा? हम सब ने किया। किसने किया? आपने किया? कितनी बार किया? तीन बार किया। आपने? दो बार। आपने? चार बार। आपने? चार बार। आपने? तीन बार। आपने? चार बार। आपने? तीन बार। आपने? चार बार। आपने? तीन बार। आपने? दो बार। आपने? आपने? चार बार सर। आपने? पांच बार सर। आपने? तीन बार। आपने? तीन बार। इधर पीछे थोड़ा आगे आगे बोलो। कितनी बार? चार बार। आपने? चार बार। सबने क्या मतलब? ईमानदारी से? ठीक है। तो एक तो सबसे पहली आपकी क्लास हो गई रिबोलिंग, वो भी रिबोलिंग आपने 4G डबल डेकर सीपीयू को आपने रिबोल करके रिबोल किया आपने, है ना? और क्या तुक्के में हो गया क्या? नहीं सर। एक बार करा क्या? नहीं सर। मल्टी बार करा आपने, है ना? एक बार से कई बार ज्यादा, ठीक है? करके आपने समझ के करा ना। अगर मैं बोलूँ कि सर मैं आपको कोई सा भी एक सीपीयू देता हूँ, देखो परफेक्ट स्टेंसिल से मैं तो बच्चा भी कर लेगा, तुम भी कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ऐसा एक यूनिवर्सल स्टेंसिल देता हूं मैं आपको, है ना, और यूनिवर्सल स्टेंसिल में जो सीपीयू हो जाता है तो आप कर सकते हो। आपके पास तरीका मेथड है, आप आईसी में हिट मारने से पहले डिसाइड करके बता सकते हो आपके पास वो मेथड है कि आपकी आईसी सही बनेगी कि नहीं बनेगी। है तरीका? वो तरीका है आपके पास? चलिए ठीक है। तो कल थी हमारी कंपोनेंट 1 की क्लास, किनके साथ थी आपकी? देव सर के साथ थी, है ना? कंपोनेंट 1 की क्लास किनके साथ थी हमारी? देव सर के साथ। तो 2 वाली क्लास किसके साथ थी? तो आज कैसी रही क्लास आपकी? क्या बोलेंगे सर के लिए? क्या बोलेंगे? सर ने 6 दिन का कंटेंट 2 दिन में कंप्लीट कराया। yes, sir. कोई चीज छोड़ी क्या? नहीं, sir. बताओ मेरे को। no, sir. एग्जांपल सेट नहीं किया हो? नहीं सर। एग्जांपल सेट नहीं किया हो? रजिस्टर की बात करूं मैं, कैपेसिटर की बात करूं मैं, डायोड की बात करूं, डायोड के कितने प्रकार, कोई सा प्रकार छोड़े क्या? no, sir. कोई सा प्रकार छोड़े? no, sir. सर क्या थ्योरिकल पढ़ाते हैं क्या? दोनों सर। वहाँ भी प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल ही होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? अगर आपकी 5 घंटे की थ्योरी की क्लास है तो प्रैक्टिकल की क्लास कितनी? 8 घंटे होती है। yes, तो इस क्लास से कौन कौन सेटिस्फाई है? दोनों क्लास से सेटिस्फाई? yes, अगर ये बताओ मेरे को, ये क्लास अगर कोई अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में या दूसरे टीचर से लेते हैं तो क्या आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ पाती? समझ में आ पाती क्या? समझ में आ पाती क्या? तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा नवीन से। तो नवीन, एशिया टेलीकॉम में आज आपका दूसरा दिन बोल सकता हूँ? जी सर। दूसरा दिन क्या पोजीशन है दूसरे दिन में? आपने क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या 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 कर लिया आपने दूसरे दिन में? दूसरे दिन में सर जैसे डबल टेकर आईसी पावर आईसी निकाल के लगाना। पहले दिन कंपोनेंट के बारे में सीखा और उसके बाद आईसी बनाना सीखा। आज और आज क्या था? आज भी आपकी कंपोनेंट की क्लास थी? जी सर, आज भी कंपोनेंट की क्लास थी और डबल टेकर जो है आईसी का रिवॉल्विंग सीखा। ठीक है। पावर आईसी लगाना सीखा। ठीक है जी सर। और आज कंपोनेंट 2 की क्लास किनके साथ थी आपकी? देव सर के साथ। क्या क्या हिसाब से नॉलेज मिला? बहुत बढ़िया सर। एक अभी नया मैच सीखने को मिला कि क्वाइल को भी हम नाप सकते हैं। आप नाप सकते हो? जी सर। आपके पास वो वाला मल्टीमीटर है? जी सर है। बाकी आपको है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे कि ये तो फर्जी बोल रहे हैं, बोले कोई मल्टीमीटर ही नहीं आता इसमें का। जी सर ऐसा बोलेंगे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ये मल्टीमीटर आता है, चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, उस समय जो नापा गया है उसका वीडियो है फेसबुक पर, वो देख सकते। तो आप बक कॉइल, बुश कॉइल है? जी सर। सारी नाप सकते हो आप? जी सर। कौन सी कॉइल क्या मान के लगी होती है? तो आप मल्टीमीटर, नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करने वाले टेक्नीशियन हो क्या?
आप कौन सा मल्टीमीटर से चेक करोगे? एडवांस मल्टीमीटर से, है ना? यस सर। उसको क्या बोलते हैं? एलसीआर मल्टीमीटर नाप सकते हो। तो नवीन, ओवरऑल दो दिन की क्लास क्या बोलोगे? सर बहुत अच्छा लगा और ओवर कॉन्फिडेंस है कि आगे भी इसे अच्छा मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप साइड हो जाइए, आगे आइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। प्यारुल इस्लाम। प्यारुल इस्लाम, वेस्ट बंगाल से। हाँ, कंपोनेंट की क्लास आज आपकी देव सर के साथ कैसी रही? बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद ये प्रैक्टिकल करने आए, जब आप प्रैक्टिकल में सारी चीज आपकी क्लियर है? यस सर। अगर मैं कंपोनेंट में आपसे रजिस्टर के बारे में जानकारी पूछूं, कैपेसिटर के बारे में जानकारी पूछूं, थर्मिस्टर के बारे में जानकारी पूछूं, कोड रजिस्टर क्या होता है ये पूछूं मैं आपसे, है ना, और अगर मैं कॉइल के बारे में पूछूं कितने प्रकार की कॉइल आती है, कहाँ पे लगी होती है, क्या मान होता है उसका, आप कैसे मल्टीमीटर से निकाल सकते हो उसको, है ना, बुश कॉइल क्या मान की आएगी आपकी, है ना, है ना, बक कॉइल क्या मान की आएगी आपकी, चार्जिंग की जो कॉइल आएगी क्या मान की आएगी, आप तो बता सकते हो आप? यस सर। बता सकते हो? यस सर। आपके पास वो नॉलेज है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। चलो हाँ। जी बताइए। सोनू, बिहार से। सोनू जी, कैसा नॉलेज मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया मिल रहा है सर। सोनू, बिहार से बहुत कुछ स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, बहुत सारी कॉलिंग आती है, तो क्या होता है, मतलब क्या लेवल की पढ़ाई है यहाँ पर? बहुत हाई लेवल की पढ़ाई है सर, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा मिलेगा, बट शुरू में मैंने आया तो पहले दिन के क्लास में मेरे को सारा मतलब डाउट क्लियर हो गया। पहले दिन के क्लास में डाउट क्लियर हो गया। और आज क्या पोजीशन है आपकी? आज बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट क्लियर है आपके? पूरा। डबल डेकर रिवॉल्व करा? यस सर। कितनी बार करा? तीन चार बार मैंने करा। चार बार करा? यस। सेल्फ कॉन्फिडेंस? यस। कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत बढ़िया है, हाईली कॉन्फिडेंस, हाई लेवल की। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बहुत दूर से आए हैं, पंजाब से। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सुनील। यस सर। पंजाब से? हाँ जी। एशिया टेलीकॉम जबलपुर। यस सर। क्या पोजीशन है? बढ़िया। दो दिन की बात करूँ मैं तो? नहीं, बढ़िया पोजीशन। दो दिन में क्या क्या हासिल कर लिया? नहीं, दो दिन में सर रेजिस्टर्स का और कॉइल, पहले तो आज हमने सुबह जो है ड्यूल टेक करके बॉलिंग की। अच्छा। जो वो भी यूनिवर्सल में। अच्छा। पहले तो कभी की नहीं थी हमने। अच्छा। और चार पांच बार किया, कामयाब हुए उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद देवरतन सर के साथ क्लास थी हमारी। हाँ। उन्होंने भी अच्छा, उनके साथ जितना उनके साथ हम टाइम बिताते हैं ना सर, उतना कम लगता है, क्योंकि उनमें एनर्जी जो लेवल है ना बहुत हाई है। उनको सुबह 8 बजे आया, अभी 11 बज रहे, लेकिन अभी भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। जो आपके सामने पीछे व्हाइट टी शर्ट में बैठे, इनको दुनिया रोबोट क्यों बोलती है? उनका जो काम है ना, एनर्जी लेवल ही ऐसा है। और इन रोबोट से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देवरतन सर से मिलना, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर। क्या करना पड़ेगा? एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो तो रोबोट के तो खुद ही खुद दर्शन हो जाएंगे। वाकई में रोबोट है? जो बोलते हैं उससे कई ज्यादा करवाते भी है। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे, और बाकी का तो मेरे को पता नहीं टेलीकॉम का क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते। जो फर्स्ट दिन में हमने यहाँ पे 4-5 घंटे की इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी ना, मेरे को नहीं लगता कि वो 3-4 दिन में भी इतना बैकअप देते हुए। जो हमें अच्छा, पहले जो इंट्रोडक्शन की क्लास, जो क्लास ही नहीं थी। नहीं, क्लास नहीं थी, जो एक्चुअल इंट्रोडक्शन इंट्रो क्लास थी, वो क्लास ही नहीं थी आपकी। उसमें जो नॉलेज 7-8 साल हो गए हमें भी काम करते हुए, तो फेक काम जैसे एक चार्जिंग होती है ना, फेक चार्जिंग, वो काम था हमारा। अच्छा। तो किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, कोई कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, तो थर्मिस्टर लगा, उसका क्या काम है, उसकी क्या नॉलेज है, कहाँ पे जा रहा है, उसकी लाइन क्या है, बक लाइन है या कौन सी लाइन है, इस चीज़ के बारे में सर कुछ भी पता नहीं। मैं मीडिया टेक का बोर्ड रख दूँ आपके सामने? हाँ जी सर। मैं कॉलकॉम का रख दूँ? ठीक है। यस सर। मैं SPD का रख दूँ? यस सर। और मैं सैमसंग का बोर्ड रख दूँ आपके सामने? यस सर। ज़ाइलिंग CPU का बोर्ड रख दूँ आपके, तीनों बोर्ड आपके सामने रख दूँ? यस सर। तो कितनी देर में आप सारे कंपोनेंट ट्रेस कर सकते हो? सर तो 10-15 मिनट का काम है फिर उसमें चेक करना, क्योंकि हर एक की अलग अलग सर्कल है ना, 10-15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट में आप सब चेक कर सकते? यस सर। वो दो दिन में काबिलियत है आपके पास? यस सर। दूसरे ये खाली इनके पास है कि आप सबके पास है? सबके पास है? यस सर। बड़ी बात बोल रहे हो सर आप? यस। नहीं सर, बड़ी बात बोल रहे हो आप, सबके पास है काबिलियत? यस सर। है काबिलियत? यस सर। सर अभी भी जाने की क्लास है तो अभी भी हम रिबॉलिंग करके हटे हैं। अच्छा। अभी 5A का पावर IC निकाल के और अभी डाल के, अभी जस्ट आज सुबह स्टार्टिंग की थी रिबॉलिंग,
ऑन सेट से निकाला और ऑन सेट में डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 101% उसका रिजल्ट। और कल से आप सब क्या करने वाले हैं? कल कल हम जियो फोन लाइव 4G फोन से क्या निकाल के लगाने वाले हैं? लाइव 4G फोन से पावर आईसी से लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। यस सर। एक्साइटेड हो? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम इमरान, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। इमरान, उड़ीसा से इतनी दूर जबलपुर क्या सोच के आए और क्या मिला दो दिन का? जो सोच के आया था उससे बहुत ज़्यादा मिला सर, इतना भरोसा नहीं था इतना मिलेगा। हम लोग सर 8-10 साल से काम कर रहे थे, तो कुछ कंपोनेंट कुछ आईसी के बारे में नॉलेज नहीं था। खाली आता था मोबाइल हीट मार देते थे, कंपोनेंट को वैल्यू चेक करने का भी नॉलेज नहीं था, किसमें चेक करेंगे क्या करेंगे। तो अभी फिलहाल जो मैंने हर कंपोनेंट का नॉलेज आ गया हम लोग को, कोई भी कंपोनेंट दे दीजिए हम लोग चेक, चाहे वो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, कोई भी है हम लोग चेक कर लेंगे। इमरान, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं तुमको LCR मल्टीमीटर दे देता हूँ और 5 बोर्ड आपके हाथ में देता हूँ और सारी कॉइलें निकाल कर दे देता हूँ, मैं बोलूँगा कि अब इसका माल निकाल के बता दो, तो तुम ये बता सकते हो कि ये कॉइल कहाँ की है, ये कॉइल कहाँ की? कलर सबके जैसे होते हैं, बाकी मान अलग अलग होता है। मैं मिक्स कर दूँ सारी कॉइलों को, तुम अलग अलग निकाल सकते हो बग कॉइल है या बुश कॉइल है, ऐसा कौन कौन कर सकता है? सर दूसरे दिन इतनी सारी चीजें, इतनी प्रोग्रेस, विश्वास मानो आप मेरा कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट के मैं बच्चे पढ़ाता हूँ ना, जो रिटर्न आया होते हैं नॉलेज ही नहीं होता सर, उन्होंने कभी ये मल्टीमीटर के दर्शन ही नहीं किए। DSO देखते जरूर है इंस्टीट्यूट में, बाकी कोई उपयोग करना नहीं जानता। DSO पे कहाँ फ्रिक्वेंसी आती है उनको नहीं मालूम। तो नहीं सर, मैं इतनी बोलना चाहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो इतना साल से हम लोग काम कर रहे थे, कुछ भी नॉलेज नहीं था, यहाँ पे आके 2-3 दिन में इतना नॉलेज मिला, जैसे लग रहा है पूरा साल साल का नॉलेज मिल गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी मेरा भाई टेक्नीशियन भाई देख रहे हैं वीडियो, तो जल्द से जल्द आके ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करें, तो क्योंकि यहाँ पर टाइम देखिए, टाइम जो है कभी किसी का पैसा सबके पास में आ जाएगा, टाइम किसी के पास में नहीं, टाइम चला जाता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो आके यहाँ सीख के नॉलेज ले लो, नॉलेज लोगे तो काम कर पाएंगे, नहीं तो कस्टमर को आजकल करके काम जाता ही रहेगा, आपके दुकान में झगड़ा होता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम वाल्मीकि माटिया है, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, आप दोनों उड़ीसा से? जी सर। बाकी आपकी कोई परिचय था क्या? नहीं सर, परिचय तो कोई नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं बहुत दिन से सोच रहा था आने के लिए, फाइनली मुझे आने के लिए मौका मिला इधर। और कल फर्स्ट दिन का, फर्स्ट डे का देवरत्न सर की जो क्लास थी वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, जो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में सर ने दिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने को आज जो पावर आईसी निकलना लगाया वो एक बहुत बड़ी ड्रीम है, जो फर्स्ट टाइम मैंने, वो भी ग्लास आईसी जो बड़े बड़े टेक्नीशियन कर नहीं पाते हैं, आज हम 2 दिन में पावर आईसी निकल के लगाया, वो भी बहुत बड़े बात है। और डबल लेकर की बात तो छोड़ दीजिए सर, डबल लेकर के बाद बहुत सालों से काम करते हैं, लेकिन वो लोग डबल लेकर अभी तक पता नहीं है डबल लेकर क्या होता है, और वो भी मैंने आज 4 बार निकल के लगाया। और कंपोनेंट्स की बात क्या बताऊँ सर, मोबाइल में कौन सा ऐसा जो कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स हम लोग निकल के नहीं, उसका परफेक्ट जो मान होता है निकल नहीं पाएंगे, वो हो ही नहीं सकता। A to Z पूरी की पूरी कंपोनेंट्स हम निकल के लगा सकते हैं और उसकी परफेक्ट एक्यूरेट मान दे सकते हैं, जो आज तक किसी को पता नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं है, वो एशिया टेलीकॉम के पास है। और आज मैंने इतना बोल दूँ, जो जिंदगी में आज भी मैं बोलता हूँ, जो चीज़ सर ने निकाला है R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देव सर ने, वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। चलो उनके एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। तो बहुत बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे इधर आके क्लास लिया हूँ और कुछ मुझे नया नया चीज सीखने को मिल रहा है हर दिन। और ये देखो, ये रिव्यू हम पैसा देके निकला सकते हैं? नो सर, ये वो पैसा देके निकला रहे हैं। नो सर, इंसान दिल से बोल रहा है। यस सर, ये इंसान दिल से बोल रहा है। यस सर, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज सही जगह में पहुंचा हूं। और सबको मैंने रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, प्रॉपर जानकारी चाहिए तो एशिया टेलीकॉम आइए, सबसे बेस्ट, सबसे ऑल इंडिया का एक नंबर एशिया टेलीकॉम ही सबसे बेस्ट है।
चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम ललित प्रजापति। ललित कहाँ से हो भाई? राजस्थान से। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से? जयपुर से सर। जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। हाँ सर, पिंक भाई जयपुर। पिंक सिटी छोड़ के जबलपुर सिटी, पूर्व वो भी है, पूर्व ये भी है, बाकी फर्क दोनों में। हाँ सर, फर्क दोनों में है, लेकिन नॉलेज का फर्क है सर। जो नॉलेज का फर्क है, हाँ सर, जो मुझे वहाँ जयपुर में ना मिलके यहाँ एमपी में जो एशिया टेलीकॉम है यहाँ पे मुझे जो नॉलेज लेनी थी जो यहाँ पे मिल रही है सर। क्या लेवल से मिला? दो दिन की क्लास ललित, क्या लेवल से मिला सर? बिल्कुल जीरो लेवल से मुझे क्लास दी गई है, एकदम फ्रेशर तरीके से। जो मैं 6 महीने में जो चीज़ अगर कहीं और सीखूँ ना, वो मुझे यहाँ 2 दिन में सिखा दी गई है। जैसे डबल डेकर सीपीयू जो हमने आज दिन तक ना तो निकाला ना देखा ना ही रिवॉल्व किया, वो आज हम यूनिवर्स से रिवॉल्व कर रहे हैं सर। और जैसे पावर आइस निकाल के लगाना, ये सब सर। तो आपने सारे काम किए, देखो। हाँ सर, है ना, आपने आपने एशिया टेलीकॉम के टीचरों को समझाया, आपने उनको फॉलो किया है, आपने उनका डिसिप्लिन माना है। सर डिसिप्लिन थोड़ा सा स्ट्रिक है, आपने डिसिप्लिन मारा है। और मैं आपकी बात करूंगा कि आपके कंपोनेंट की, आज कंपोनेंट की क्या नॉलेज लेके बैठे हो आप? सर आज कंपोनेंट जो देव सर के साथ क्लास थी 2 दिन के लगा, कंपोनेंट 1 की कल थी, 2 थी कंपोनेंट की, और कल की और आज की दोनों क्लासों में कंपोनेंट के बारे में बताया गया सर। कॉइल्स के बारे में, उनकी क्या रीडिंग रहेगी क्या नहीं रहेगी सर, एकदम जीरो लेवल से समझाया गया सर। हम एक एक कंपोनेंट की जो है ट्रेसिंग करके उनकी उसे उन्हें आईसी तक पहुंचा सकते हैं सर। आईसी तक पहुंचा सकते हैं? यस सर। तो कैसा लग रहा है 2 दिन का सफ़र सर? 2 दिन का सफ़र अच्छा लग रहा है, और बल्कि यह लग रहा है कि हमें अगले जो है 23 या 24 दिन बचे हैं उनमें हमें आगे क्या क्या सीखने को मिलेगा सर, और नई चीज़ें। हाँ सर, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम सर विक्की कुमार है, कोलकाता। विक्की कुमार कोलकाता से। तो विक्की बताओ कितने टाइम से इस फील्ड में हो आप? सर 7-8 साल तो हो ही गया। 7-8 साल से बिना नॉलेज से काम कर रहे थे, और 2 दिन का, 2 दिन में पूरा कंपोनेंट कम्प्लीट हो गया है। हाँ, कंपोनेंट का क्या महत्व है समझ में आया है, जो हम लोग को नहीं था, जो कर नहीं पा रहे थे। छोटा सा कंपोनेंट के चलते पूरा सेट डेट शॉर्टिंग सेट रिटर्न अच्छा सेट चालू होने वाला सेट में हम लोग खराब कर देते थे, क्या नॉलेज नहीं था। किंतु अब समझ में आ गया कि कहाँ से क्या करना है, क्या वैल्यू निकालना है, क्या नहीं निकालना, कहाँ टच करना है, कहाँ टच नहीं करना है, ये समझ में आ चुका है। तो अब से गलती नहीं होगा, और जितना है आगे हम हमको और नॉलेज मिलेगा तो हम और अच्छा बनाएंगे और करेंगे सर। मैंने मटन बिरयानी ले किया नहीं सर नहीं, तो इतने अच्छे अच्छे रिव्यू दे सर, काम हुआ है हमको, मिला है तो बोलेंगे ना सर, मिला है हमको ना नॉलेज मिला जो मेरे पास नहीं था, मैं तो बोलूँगा ही ना। अब कोई हमको कितना मना कर कुछ करेगा? बिना फीस के आए क्या? नहीं सर, फीस तो क्यों बिना फीस के आए तुम? नहीं सर, कुछ पाने के लिए तो फीस तो देना ही पड़ेगा सर। पाने के लिए फीस देना पड़ेगा, और अच्छा रिजल्ट मिलेंगे तो हमको बोलना भी पड़ेगा जी सर, है ना। सूरज को सूरज बोलना पड़ेगा, चांद को चांद बोलना पड़ेगा, है ना, दिन को दिन बोलना पड़ेगा, रात को रात। किसी ने अच्छा करा है, किसी ने अच्छा करा है उसकी तारीफ भी करना पड़ेगी। जो वर्ड्स निकल रहे हैं ये प्री प्लानिंग वर्ड्स है कि दिल से निकल रहे? सर दिल से निकल रहे सर, पक्की बात। बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे आने का, आ नहीं पा रहे थे, आए हैं, काम किए 2 दिन, बहुत अच्छा लगा, नॉलेज मिला बहुत अच्छा लगा, इसलिए दिल से निकल रहे सर। चलिए ठीक, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए। सर बापी उड़ीसा से। बापी उड़ीसा से, बापी क्या क्या तमन्नाएं लेके आए थे और क्या तमन्नाएं पूरी हो रही है, और कैसा लगा 2 दिन का सफर, और खास करके देव सर के समझ आपकी कंपोनेंट की 2 दिन की क्लास थी सर, क्या महत्व कंपोनेंट का मोबाइल की पीसीबी में, और पूरा नॉलेज होना कितना जरूरी है? सर मेरा दिल से एक बात बताओ, मतलब मैं और 2 साल पहले आता तो मैं और कुछ लॉस कर दिया, 2 साल पहले आता तो और कुछ सीख और भी जान जाते, सब कुछ 2 दिन के अंदर लग रहा है। मैं 5 साल से पहले मतलब बहुत कुछ सीख गया, 2 दिन का क्लास में मतलब 1 साल का नॉलेज ले लिया ऐसा लग रहा है। तो सर के साथ जैसे आपकी 2 दिन की क्लास थी, सारे कंपोनेंट आपके क्लियर हो गए, कंपोनेंट को लेके किसी प्रकार का कोई नो सर डाउट? नो सर, कोई कंपोनेंट का कोई, आप 5 मिनट दीजिए मोबाइल का ट्रेस करके सब टेस्ट कर दे, कोई सा भी बोर्ड दे दो, कोई कौन सा भी बोर्ड दीजिए आप, सब कंपोनेंट परिचित लगते हैं, सब कंपोनेंट परिचित लगते हैं, 5 मिनट के अंदर टोटल कंपोनेंट हम आपको बता देंगे कौन सा क्या चीज है 100%। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जम्मू कश्मीर से, आइए। सर मैं J&K से, मेरा नाम है आशिक सर। आशिक यस, बताइए सर क्या बताऊं सर, नाम ही तुम्हारा आशिक है, बताइए। सर आज हमने पहली बार सुबह आए थे 8 बजे जी, तो हमने रिबॉन्डिंग से शुरू किया सर जी, वो भी यूनिवर्सल से।
ठीक है। तो डबल डेकर का वो हमने रिवॉल्व किया और तकरीबन 5-6 बार लगाया सर, 6 बार रिवॉल्व किया। ठीक है। तो सर उसके बाद देवरत्न सर के साथ क्लास थी जो कि बहुत बढ़िया रही। तो सर आज दिल बहुत खुश हो गया। जितनी कंपोनेंट की क्लास, कंपोनेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए सर? कंपोनेंट वो चीज़ है जिससे मतलब सेट डेड भी हो सकता है, मतलब थोड़ी सी भी चीज़ अगर अगर उसकी जानकारी ना हो तो वो हम मतलब सेट को हम छोड़ देते थे पहले, लेकिन जो जानकारी यहाँ मिली तो एक कंपोनेंट की वजह से भी हम सेट को चालू कर सकते हैं सर। बक कॉइल, बूस्ट कॉइल और कॉइल की बारीकी समझिए आप सर, सब कुछ पता है सर, पहचान सकते हैं और उसका जीआर भी निकाल सकते हैं, उसकी रीडिंग भी निकाल सकते हैं सर। तो रीडिंग निकालने का यंत्र है आपके पास? हाँ सर, एडवांस का मल्टीमीटर है हमारे। एडवांस मल्टीमीटर है? यस सर। कैसा लग रहा है मतलब आपको? एक तो क्या नॉलेज मिल रहा है सर? दिल से खुशी हो रही है क्योंकि आज हमने पावर राशि भी लगाया है सर, और कल मुझे लग रहा है कि जो भी दिन आ रहा है सर हमारे लिए गिफ्ट ही बनता जा रहा है। एशिया टेलीकॉम के बारे में दिल से एक शब्द में क्या बोलना चाहिए सर? खास करके देव सर के बारे में। एशिया टेलीकॉम के बारे में जो सर शब्द है वो कम पड़ेंगे सर, देवरतन के सर बारे में जो भी कहेंगे सर उसके पास इतनी नॉलेज है कि मुझे लग रहा है कि दुनिया में किसी के पास उतनी नॉलेज ना होगी। कंपोनेंट और जो भी मोबाइल है मतलब मुझे लग रहा है वही बोर्नियो है। हाँ सर, मतलब इतनी नॉलेज है उसके पास कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ सर। हाँ, अगर किसी को शक है वो यहाँ आके उनसे मिले तभी तो लोगों को पता चलेगा कि पहले दिन का मसला क्या है। पहले दिन आते हैं, फीस यहाँ पर जमा करवा लेते हैं, क्या थोड़ा इसको क्लियर करो सर, क्या होता क्या है यहाँ पे क्या होता है, इस पर बताओ सर। पहले दिन जब कोई भी आता है सर दिल में डर होता है। ठीक है, लेकिन तो क्या मतलब पहले दिन आते से ही गेट के अंदर ही फीस रखवा लेते हैं कि क्लास व्लास देते हैं? थोड़ा क्लियर बताओ। सुनो सर, कितने दिन की गारंटी होती है? पहले फीस दी जाती है और उसके बाद 4 दिन की गारंटी दी जाती है कि जिसको समझ ना आए वो फीस वापस लेके जा सकते हैं। फीस ही नहीं उसकी टिकट, फीस इसलिए ली जाती है तो मालूम पड़े कि आदमी आता है यहाँ पे 4 दिन घूम फिर के नौकरी लेके भेज देते हैं ना। हाँ सर, तो उसकी गारंटी आप भी ले लो, आओ यहाँ देखो कैसा काम होता है। तो एक बार इनसे सबसे पूछ ले अपन कि भैया किसको फीस रिटर्न चाहिए, पूछ ले एक बार। हाँ सर, भाई किसको फीस रिटर्न चाहिए? बोला था मैं तो आज तीसरे दिन ही दूसरे दिन ही पूछ रहा हूँ आपसे, किसको चाहिए? हर दिन सर सबको बोला जाता है कि फीस किसको वापस चाहिए, लेकिन कोई अब मना नहीं कर रहा है क्योंकि सबको मजा आ रहा है और हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं और मजा भी आ रहा है सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आइए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, मनीष परमार फ्रॉम बिहार। मनीष, दूसरा दिन एशिया टेलीकॉम में जी, बिहार से इतनी दूर आए, आजू बाजू में इंस्टीट्यूट थे वहाँ भी जा सकते थे, सीधे जबलपुर मध्य प्रदेश आए, एशिया टेलीकॉम में आए, कैसा लगा भाई? यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी हुई, हम एक चार्जिंग पिन कनेक्टर भी लगाना नहीं जानते थे जी। और आज दूसरा दिन है जो हमको बहुत खुशी मिल रही है, हमने आईसी खुद अपने हाथों से निकाला और उसको हम लगाए। कंपोनेंट का कैसा नॉलेज मिला? कंपोनेंट का नॉलेज बहुत हमको अच्छा मिला। कंपोनेंट आपके सारे खत्म हो गए अभी? कोई किसी प्रकार का डाउट अगर मैं पीसी भी दूं तो आप एक कंपोनेंट का काम जी, क्या जी, होता जरूर। है और उसका पूरा उसका नाप का उसका मान उसका हर एक तरह का मतलब उसकी पहचान पूरी हमको मिल चुकी है। अभी मैं आपको कोई सी भी आईसी दे दूं और कोई सी भी आईसी दे दूं जो यूनिवर्सल से रिवॉल्व हो सकती है, सीपीयू कोई सा भी दे दूं आपको, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जरूर जरूर। मैं आपसे दे दूं तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। मैं डबल डेकर दे दूं तो कर? डबल डेकर तो सुबह में ही किए हैं, हम कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि 2 दिन में हम कर देंगे, बट हम डबल ट्रेकर यूनिवर्सल हर एक चीज हमने किया आज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से बोल रहे हो कि जबरदस्ती? नहीं जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं। यस सर। भैया नेक्स्ट में आते हैं, कौन है भाई और कौन बचा? आते जाइए इधर, नेपाल इधर आ जाओ, दो जन है सर जी। नमस्ते, बोलिए। मेरा नाम विनोद है। विनोद कहाँ से हो भाई, थोड़ा सा पीछे देखो। मैं वैसे नेपाल से हूँ, रहता हिमाचल में हूँ। हिमाचल में रहते हो, नेपाल से हो। तो विनोद आज दूसरा दिन एशिया टेलीकॉम में, नेपाल से इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप, है ना? बिहार के आप, पहले बिहार रहते थे पर बाकी आप वहाँ नेपाल चले गए? हिमाचल में रहते थे, हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल अभी भी हिमाचल में रहता हूँ। अभी भी हिमाचल में रहते हो? हिमाचल से आया। वर्किंग आपका कहाँ है? नेपाल में। हिमाचल में है सर। हिमाचल में ही। तो नेपाल से क्या लेना देना आपने? नेपाल में, नेपाल से हो ना मैं से। अच्छा नेपाल से हो तो, नेपाल से हिमाचल में हो? हिमाचल में बचपन से रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वो सब अपनी जगह है। तो 2 दिन हुए एशिया टेलीकॉम में आने को आपको,
कैसा लगा और आपने कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू पूरा क्लियर करा कि नहीं, समझा कि नहीं समझा, और वो कंपोनेंट टू की क्लास थी आपकी दोस्त के साथ, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा रहा सर, सोचा नहीं था ऐसा होगा दो दिन के अंदर। सर दो दिन के अंदर कितने समय से काम कर रहे थे आप? मैं वैसे मेरे को 3-4 साल हो गए बीच में। हाँ, और जो नॉलेज दो दिन में मिला है उसका उसका क्या बोलेंगे आप? वो तो सर मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मेरे को भटकना पड़ता था सर काम के लिए ना, जैसे एक दुकान में काम आता तो मेरे को भटकना पड़ता था वो, अब मैं भटकूंगा नहीं, मतलब इजीली कर लूँगा मैं। अच्छा, दो दिन में कॉन्फिडेंस आ गया वो। दो दिन में अभी तो पूरा महीना है सर, पूरा महीना है। तो मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारी जो 53,000 रुपये फीस दी थी वो रिटर्न ले जाओ तो ले जाओ। नहीं सर। क्यों नहीं लेके जाओगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है सर। नॉलेज मिल रहा है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए, और नेपाल से हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, इनके साथ में नेपाल से कौन है? मेरा नाम संदीप है सर, मैं नेपाल से हूँ। संदीप नेपाल से? जी सर। और मेरा नाम सुनील है सर, मैं भी नेपाल से। सुनील, सुनील नेपाल से, संदीप नेपाल से। तो संदीप सुनील, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, दो दिन का सफर एशिया टेलीकॉम में आपका कैसा रहा, और आपकी कंपोनेंट की क्लास थी देव सर के साथ कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा रहा सर। क्या लेवल से पढ़ाया सर ने? बहुत अच्छा, देव सर ने एक एक कंपोनेंट के बारे में इतनी बारीकी से बताया, पहले कभी जानते नहीं थे कि इतना इतना कॉम्पोटेंट होता है मोबाइल में बोल के। तो एक एक चीज क्लियर है सर। अगर 6 घंटे वहाँ पढ़ाते हैं तो 7 घंटे की आपको क्लास मिलती है? मिलती है सर, 7-8 घंटे की मिलती है। सच बोलो? सच, सच बोलो, सच बोलो, सच नहीं सर, 8 घंटे के प्रैक्टिकल है। तुम भारत से बाहर के मेहमान हो? हाँ सर, है ना, मेहमान हो हमारे तुम, है ना, तुम अतिथि हो हमारे और पढ़ने आए हो हमारे इंस्टीट्यूट में। आपको वाकई में जो आपने पैसा लगाया है, जो समय बिगाड़ा है, तो उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है सर, बिल्कुल। मतलब 1 मिनट के लिए भी, आधे घंटे के लिए भी कभी ऐसा लगा कि वेस्ट हो गया? नहीं सर। अगर मैं तुमको ऑफर करूँ कि भैया आपकी फीस वापस ले लो? नहीं सर। लेना चाहोगे आप? नहीं सर। क्यों? क्योंकि नॉलेज मिल रहा है ना सर यहाँ से। भाई देख रहा है, भाई देख रहा है, है ना, लाइव देख रहा है भाई। तो क्या बोलना चाहेंगे आप टीम एशिया टेलीकॉम की देव सर के बारे में, और जो पढ़ाते हैं यहाँ पर और मैनेजमेंट हम लोग करते हैं ऐसा, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके? बहुत अच्छा, सब सब अच्छा, मैनेजमेंट, पढ़ाई, पढ़ाने का शैली, सब सब बेस्ट है सर। कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोलते कि जो आपके समझ में नहीं? नहीं सर, नहीं सर, कोई इंग्लिश बहुत ज्यादा सब बारीकी से समझा है ना, वाराणसी वाली हिंदी बोलते हो? नहीं सर। तो हम अच्छामी अच्छामी ये ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर। समझ में आता है? एकदम बिल्कुल। तो आज क्या क्या कर लिया आपने? मैंने डबल ट्रिगर सीपीयू यूनिवर्सल से, उसके बाद कंपोनेंट, कंपोनेंट क्लियर है? यस सर। मतलब सभी कंपोनेंट क्लियर है आपके? यस सर। अच्छे से सर? अच्छे से। यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस के साथ सर। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस। चलिए नेक्स्ट वन, 3 आ जाइए, 3 स्टूडेंट आ जाइए, 3 आ जाइए, एक और आ जाओ जो बच गया। इतना अच्छे से गया, पता भी नहीं चला कि 13-13 घंटे हम क्लास में है, हमें टाइमिंग भी पता नहीं चली, कैसे टाइमिंग बीत जा रही है। 13 घंटे वाकई में एशिया टेलीकॉम बोलता तो देता है कि नहीं देता? देता है सर, और अरे हवाबाजी तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देव सर की पढ़ाने की जो ट्रिक है वो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाएगी। 13 घंटे की क्लास है सर, 13 घंटे की नहीं, 15 घंटे की होगी, 15 घंटे की होगी, 8 बजे से लेके 11 बज रहे हैं अभी भी इंस्टीट्यूट में, हम और 11:30 बजने वाले हैं, अभी आधे घंटे में 16 घंटे हो जाएंगे। तो सर हमने जो देव सर से नॉलेज पाई वो बहुत ही हाई लेवल की है, और ऐसा नहीं है कि वो सर जो बताते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं था, एक पॉइंट कहेंगे तो हमें 4 पॉइंट पहले से पता चल जाती है, पता नहीं कैसे, पर ये है देव सर में इतनी बात तो है। जादूगर और जादूगर है क्या वो? नहीं, जादूगर तो नहीं, पर ऐसे ही है वो सर, नॉलेजफुल इंसान है। यस सर। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मिंटू करूँगा सर। हाँ। 3-4 साल से सर काम कर रहे हैं। हाँ। बूस्ट कॉल के बारे में चेक होगा तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, सच्ची में पता नहीं था। अरे आप सरप्राइज होके मत घबराओ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वालों को नॉलेज है। हाँ सच्ची में, मोबाइल के पास बारी बारी में पहचान सकते हैं आप, क्या बात है सर। और घबरा सर, पहली बात तो थकता ही नहीं और हम लोग भी नहीं थकते, यही बात है। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम रोहित, रोहित वेस्ट बंगाल से। तो रोहित बताइए मेरे को, दो दिन में क्लास कैसी रही? बहुत कुछ सीख गया,
पावर एसी निकालना, पावर एसी लगाना, कंपोनेंट का नॉलेज, कंपोनेंट जो सर के साथ क्लास थी कैसी लगी? वो अच्छी आएगी तो चलो पर्सनली तुम्हारे लिए मैं बोल दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा, है ना, तो तुम्हारे को बंगाली में दे। चलो ठीक है, और नेक्स्ट वन आ जाइए। कौन बचा है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कौन बचा है? तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, एमपी से, नाम है इनका आशीष। आशीष बताइए, और कौन बचा भाई? आ जाओ। और कौन बचा भाई? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, जो जो बच गए वो आ जाइए। एक दो तीन, है ना, रमाकांत, रमाकांत छुप रहा है सर। चलो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। शमशाद आलम, बिहार। शमशाद आलम बिहार से, इधर उड़ीसा से। आप? छिंदवाड़ा से, एमपी से। छिंदवाड़ा एमपी से। तो शमशाद शुरुआत आपसे करूंगा, कंपोनेंट की क्लास हो गई, सारी प्रकार की आईसी रिवॉल्व करने की क्लास हो गई, क्या बोलेंगे सर? बहुत अच्छा बीता सुबह, सब जल जल फिर सर ने पढ़ा रहे थे तो हर बात हम माइंड में घुस रहा था, ऐसे बैठ रहा था। हमको पहले नहीं मालूम था कि आईसी कैसे रिवॉल्व किया जाता है, कंपोनेंट कहाँ से कौन कनेक्शन जाता है, पहले नहीं मालूम था सर। अब सब सब सारी चीज़ें क्लियर। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आ गई, तो बताइए मेरे भाई कैसी रही आपकी दो दिन की क्लास? दो दिन का क्लास बहुत अच्छा था सर, और दो साल का दो दिन में निकल गया, जितना दो दिन में निकल गया। हाँ, दो दिन में तो निकल गया। आपको जो कंपोनेंट का नॉलेज मिला है वो किस लेवल का मिला है? बहुत हाई लेवल का सर, जो सोच नहीं सकते, जो मतलब खुद आके यहाँ करता ना उसको मालूम पड़ता है, बोलने से कुछ नहीं पड़ता है। क्या बोलना चाहोगे देव सर के बारे में और एशिया टेलीकॉम के बारे में, एक शब्द में पूछना चाहूंगा? तो मैं तो बोल रहा हूँ सर, वो बोर्नियो है मोबाइल का, क्या बस उतना ही सर, उतना ज्यादा और बोल नहीं सकता है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आशीष। आप छोटी सी जगह में मिस कर रहे होंगे कि शायद पहले आ जाना था मैंने? हाँ जी, बहुत मिस कर रहे पहले है? कि छोटी सी मतलब मैं छोटी सी छोटी दूरी पे ही हूँ, आप 200-300 किलोमीटर दूर होंगे? हाँ, 250 किलोमीटर दूर। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं काश पहले आ गया होता? हाँ, बहुत आया था, मैं बहुत बार ट्राई किया लेकिन आना नहीं हुआ। अच्छा, इस बार हो गया। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आशीष यहाँ पर? एक नंबर। कोई चीज़ में समझौता किसी चीज़ में नहीं, नहीं। कि कोई 19-20 मिल रहा हो? नहीं। समय कम मिल रहा हो? नहीं। और देव सर के बारे में क्या बोलेंगे? देव सर के बारे में क्या बोलना, क्या बोलेंगे आप? जो आपको सुबह शाम की जो क्लास देते हैं, जो वो पढ़ाते हैं, 6-6 घंटे पढ़ाते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए कोई शब्द ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप भी हो, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में चलो आइए मकान। तो हमारे यहाँ के सबसे होनहार स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मकान तुम उड़ीसा भाई, उड़ीसा से कितने लोग हैं यार? पांच लोग हैं उड़ीसा से। ए भाई तेरा धीरे बोलो, उड़ीसा वाले इधर नहीं आ जा। तो ये बताइए मेरे को उमाकांत, जो आप सोच के आए थे, जो आप सपना लेके आए थे कि ऐसे टेलीकॉम में वो मेरे को नॉलेज मिलेगा, तो वाकई में वो नॉलेज मिला कि नहीं? सर उससे ज्यादा मिल गया है। उससे ज्यादा मिला? ज्यादा मिल गया है सर। मैं तो सालों इतना सालों से रिपेयर किया था, वो इतना भी नॉलेज नहीं था, वो बस काम करता रहता था, और दो दिन में कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स था ना, वो सारे का रीडिंग भी मेरे को पता नहीं था, सारा रीडिंग भी पता चल गया। जो जो करते हैं रिवॉल्व फिवॉल्व जो रहता है सीपीयू रिवॉल्व, वही भी हो गया, कभी भी नहीं कर पाया था मैंने। कैसा लग रहा है मगर? अच्छा लग रहा है सर। और एक शब्द में पूछूंगा कि देव सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देव सर तो सबसे अच्छा है, जो बोर्नियो बोलते थे ना अभी हमारा इधर का स्टूडेंट, बोर्नियो से भी अच्छा बेहतर है। बोर्नियो में तो फेल दिखाता है, उसको फॉल्ट निकल देते हैं सर। तो ये शब्द मैं बुलवा सकता हूँ तुमसे कि तुम दिल से बोल रहे हो? नहीं सर, दिल से बोल रहे हो क्या? जो आएगा वो उससे पता चलेगा, ऐसा ही देखने कोई लाइव में नहीं पता चलेगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर, रिवॉल्व करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया था। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू ओके से चेंज से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? सर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट